आपका स्वागत है फ्रेंड्स। सर बना रहे हैं आज मक्खन। सर आप भी हेलो बोल दो। हेलो एवरीबॉडी। बहुत सारी मलाई इकट्ठी हुई, पूरा डोंगा भरा है फ्रेंड। ये दो बार बनाओगे? हाँ, दो, एक बार में बनता नहीं। दो बार बनाएंगे। इधर से हमारा दूध भी गर्म होने लग रहा है। आज थोड़ा सा टाइम था सर का। स्लो करूं क्या उसको? दूध को तो मैं देख लूंगी, आप ये बना लो। हाँ चलो बना लो आप। ये फ्रेंड्स शाम का टाइम है, लगभग अब 7 बज गए हैं और मैं हो गई हूँ रेडी। कहाँ जा रहे हैं आज हम? आज दीपक जी का बर्थडे है। दीपक जी को जानते होंगे, मेरे दामाद जी, उनका बर्थडे है आज। तो हम जा रहे हैं बाहर है। आज रेडी हो गई हूँ मैं। ज़्यादा कुछ इतनी सर्दी में फ्रेंड दूसरे फैंसी कपड़े नहीं पहने जाएंगे, विंटर के ही पहने हैं, कोट वगैरह ये सब। ठंड से बचाना है, भयंकर ठंड है। और सर अभी न्यूज़ सुन रहे हैं, तैयार होके बैठे हैं सर, वो सब आने वाले हैं। और अब हम जाएंगे, कौन कौन जाएंगे और क्या क्या करेंगे वहाँ, ये सब दिखाऊंगी। कहाँ जाएंगे ये भी बता दूंगी मैं, दिखा दूंगी आपको कहाँ पर जाएंगे। चलो चलते हैं फिर। ये फ्रेंड्स आ गए हम चिट्टी रोड पे और आप देख सकते हैं मौसम का हाल। सिर्फ थोड़ी थोड़ी लाइट ही दिखाई दे रही है, ये ढाबे रेस्टोरेंट वगैरह जो भी हैं जीटी रोड पर। और कितनी धुंध शुरू हो गई है अभी से ही, तो सुबह क्या हालचाल होगा देख लो। मौसम का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आज हम टैक्सी करके आए हैं, अपनी गाड़ी से नहीं आए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है ड्राइव करना ऐसी धुंध के अंदर। आज फ्रेंड्स हम आए हैं जीटी रोड पर ही, बीकानेर वाले की ढाबे पर जाते हैं हमेशा, उस रेस्टोरेंट पे जाते हैं, लेकिन आज हम आए हैं रेशम ढाबा, नया ट्राई करेंगे आज हम। बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। ये मिल गए, सारे आ गए हैं। दादी जी सर सबसे मिल लो। पूरे रेशम ढाबा ट्राई करेंगे इसको सोनू आज, देखते हैं दीपक जी के बर्थडे पे। मैं पता है क्या, अपने फैमिली मेंबर्स को ना न्यू प्लेसेस ट्राई करवाती हूँ, तो उसमें जब भी कोई गड़बड़ हो जाती है ना, तो मेरे नाम की पर्ची फटती है। तो फिर मैंने अभी उतरने से पहले सबको बोल दिया है कि मेरे नाम की पर्ची नहीं फटनी चाहिए, आप अपनी मर्जी से आए हो, ठीक है? ठीक है सोनू, कोई कुछ नहीं कहेगा तेरे को। हाँ, वरना मेरे को सब सुनाते रहते हैं कि तूने कहा था। आज नया ट्राई करेंगे हम रेस्टोरेंट, ये भी जीटी रोड पर ही है फ्रेंड। ये यहाँ पर सोनू का मन करा डांस करने का। ये म्यूजिक बज रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पर सॉन्ग चल रहा था, लेकिन मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आने का डर बना रहता है इसलिए। लेकिन जब ये सॉन्ग चल रहा था तो मन तो सबका करता है, जिसको आता है वो तो नहीं रुक सकता। और सोनू को तो शुरू से ही आदत है ऐसे डांस करने की, बचपन से ही है इसको। जहाँ पर भी ये म्यूजिक वगैरह बारात जारी होती थी या बैंड बाजा बज रहा होता था, बचपन से ही वहीं स्टार्ट हो जाती थी। और दीपक जी को भी कोशिश करवा रही है डांस करने की। और ये जोकर है फ्रेंड मनोरंजन के लिए, अच्छा स्पेस है, अच्छा लगा। और अब अंदर का दिखाऊंगी आपको, ये तो बाहर का ही है। और खूब ठंड है फ्रेंड इस टाइम। और ये देख सकते हो आप, अंदर चलते हैं अब, अंदर देखेंगे कैसा है क्या है। काफी खुला है, स्पेस है। अभी शायद हम जल्दी आए हैं, ज़्यादा क्राउड तो नज़र नहीं आ रहा अभी। हर किसी का खाने का टाइम होता है फ्रेंड। और ये देख सकते हो आप, ये ट्रैक बना रखा है ट्रेन का, ट्रैक प्लेटफॉर्म नंबर 4 प्लेटफॉर्म नंबर 5 ऐसे लिखा हुआ है, ये ट्रैक है। इसको छूना नहीं होता फ्रेंड, लिखा हुआ है कि इस ट्रैक को नहीं छूना और ना ही ट्रेन को छूना है। अच्छा
इन्होंने बना रखा है बच्चों के लिए, पूरा ग्रीन का ही, ग्रीन ही सोफे वगैरह हैं बैठने के लिए, ग्रीनरी। ये जो ट्रैक बना रखा है इस पर भी ऐसा ही बिछा रखा है ग्रीन टाइप में ही, ताकि लगे कि जंगल में से ट्रेन जा रही है देखने से। ये हमारा ऑर्डर आ गया है फ्रेंड्स, ट्रेन में प्लेटफॉर्म नंबर 5। दोबारा आपको लेकर आऊंगी मैं यहाँ पर, जो पाओ आओगे यहाँ। और ये कुलचे छोले हमने ट्राई करने के लिए मंगवाए हैं फ्रेंड्स। जाएगी ना गाड़ी? हाँ ट्रेन जाएगी। हाँ जी हाँ ले लो वापिस वापिस गई है। सोनू भारी है ये थाली, दिखाना कैसे की है ये? भारी है कैसे के बताओ? 1 किलो। दादी जी कह रहे हैं 1 किलो की थाली है। 1 किलो कटोरी गिलास सब ये इस रेस्टोरेंट में स्टील के हैं सारे, है ना? जगह जैसे वहाँ 5 के ग्लास में देते हैं। छोले भटूरे, चने भटूरे हैं, चने भटूरे बोल रहे इसको, चने छोले, छोले मतलब आप दूसरे को छोले कहते हैं। ये काले चने हैं, ये है रेशम ढाबा स्पेशल थाली। स्पेशल थाली में क्या है? बहुत सारी सब्जी है, देखते हैं। दाल मखनी, मिक्स वेज, कढ़ाई पनीर, पुलाव और नान, सैलेड, गुलाब जामुन, रायता। ओ माय गॉड, स्पेशल है ये। स्पेशल क्या नाम है इसका रेस्टोरेंट का? रेशम ढाबा स्पेशल थाली। अच्छा रेशम ढाबा स्पेशल थाली, उतार लो ट्रेन पर, ट्रेन पर उतार लो। इतनी हरी हरी थाली है ना, तो आजुआ देखो जी। नमस्कार, आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताना, हम भी आए सोनीपत से आए हम। एक्चुअली ना ये जो यहाँ पे है फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं पूरे मुल्क में, ऐसा रेस्टोरेंट है। हाँ हमें पता है सर, आते रहते हैं यहाँ पर बीकानेर वाला वगैरह। हाँ जी मैम, साइड में ही आगे। हाँ तो हम जा तो रहे थे आगे बीकानेर वाले के पास, फिर हमने देखा कि आपका रेस्टोरेंट ये नया ही लगा हमें, तो हमने सोचा ट्राई करके देखते हैं एक बार, तो इसलिए आए हम। यहाँ का मैम आपको खाना कैसा लगा मैम? खाना टेस्टी लगा, खाना टेस्टी है, खाना टेस्टी लगा हमें, बहुत ही अच्छा लगा। सर्विस के बारे में कुछ यहाँ के स्टाफ के बारे में? नहीं बहुत ही अच्छी सर्विस, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपसे मिलके। हाँ बहुत ही अच्छा लगा स्टाफ के बारे में सब, बहुत अच्छी सर्विस और सफाई वगैरह भी बहुत ही अच्छा लगा हमें। फर्स्ट टाइम आए हम, आप नेक्स्ट टाइम आओगे आपको इससे भी अच्छा करके देंगे। नहीं अच्छा ही लगा, अब भी अच्छा लगा, सफाई के हिसाब से भी, खाना भी थोड़ा सा। और लेकिन एक बात लगी जो थी दाल, उसमें थोड़ी मिर्ची ज़्यादा लगी, पता नहीं हम कम खाते हैं क्या। एक्चुअली वो कई लोग कम खाते हैं, कई लोग ज़्यादा खाते हैं, तो हो सकता है हम कम खाते हैं इसलिए लगा। आप तो अपने हिसाब से जानते होंगे। मैं शेफ से मिलवा देता हूँ, मैं शेफ को लाता हूँ। तो आपने जो है ट्रेन का जो किया है ना आपने, वैसे बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो खाना इससे खाने पर ध्यान देते ज़्यादा, इस तरीके की एक्टिविटी चाहिए उनको तो ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं बच्चे, तो बच्चे खाने के बजाय इस ट्रेन बजाय ध्यान दे रहे, तो ये सारा कंट्रोल हमने। तो जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 5 तो ऐसे होता है तो सारा कैसे, मतलब इसके अंदर एक तरह से इसके लिए उससे बोलते हैं, जैसे अंदर से जो ऑर्डर आता है तो वो जो भेजने वाला लड़का है ना चलाने वाला, वो बता देता है कितने नंबर का ऑर्डर आ रहा है। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलते हैं, जैसे रिटर्न करना है। ये शेफ है, ये शेफ है, हेलो जी हेलो, ये कह रहे थे भैया खाना बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा।
लेकिन थोड़ा सा ही है, पता नहीं हम ज़्यादा खाते कब खाते हैं, या तो दाल के अंदर थोड़ी थोड़ी सी दाल मखनी, दाल मखनी हाँ थोड़ी सी ज़्यादा लगे, हो सकता है हम कब खाते हो इस वजह से ऐसा लगा होगा हमें। लेकिन वो खाना बहुत ही टेस्टी और स्टाफ वगैरह सब आते रहते हैं हम, और हमें तो और सही लगा बल्कि। थैंक यू सो मच, ओके। डिनर कर लिया है फ्रेंड्स और अब हम निकले हैं बाहर। बाहर का मौसम देख सकते हो आप, एकदम से ही धुंध का क्लाउड आया है और लोग खूब आने जाने लग रहे हैं। हम जल्दी आए हैं तो लोगों का तो देर से ही खाना स्टार्ट होता है। और ये देख सकते हो म्यूजिक बज रहा था फ्रेंड्स, मैंने म्यूजिक तो म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आने का डर बना रहता है। वो सारे कह रहे हैं चलो फोटो वगैरह करवाते हैं यहाँ पर। ये फ्रेंड्स घर के लिए चल पड़े हम, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सोनू सब देखो फ्रेंड्स, देखो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे नाम की पर्ची फटती है जब भी मैं किसी नए रेस्टोरेंट में ट्राई करती हूँ, ट्राई करने के लिए बोलती हूँ। तो आज मेरे नाम की पर्ची नहीं फटी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिट गया है मेरा आइडिया, और बल्कि सुनहरे अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाएगा, एक्सपर्ट एडवाइस में मेरा नाम शामिल किया जाएगा कि इससे पूछा जाए कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अच्छा लगा, सोनू का पहले डर था कि मैं लेके तो जा रही हूँ नई जगह में, अब पता नहीं मुझे क्या कहेंगे सभी, लेकिन अच्छा लगा। और चलो फ्रेंड आज के ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाय 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 फ्रेंड्स।